फ्रेंड्स, चारू मात्रा सही में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपने वीडियो में चिप्स का वीडियो लेके आए हैं, लेकिन चिप्स जनरली सभी लोग घर पे बनाते हैं, बट कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमारे चिप्स काले पड़ जाते हैं या फिर सफ़ेद नहीं बनते हैं। तो जो मैंने टिप्स बताई हैं आपको वीडियो में, आप उसको फॉलो करके अपने चिप्स तैयार करेंगे तो आप देखेंगे आपके चिप्स ना तो कभी लाल पड़ेंगे, काले पड़ेंगे और एकदम वाइट ही चिप्स बन के तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आलू के चिप्स बनाने के लिए हमने ये 5 किलो आलू लिए हैं, जिनको हमने धो के पानी में अच्छे से छील के पील करके रख लिया है। हमने इसको छीलने के बाद पानी में ही सोख करके रखा हुआ है, जिससे हमारे ये काले ना पड़े। अब हमने एक और बर्तन लिया है जिसमें हम अपने चिप्स करके रखते जाएंगे। इसको हमने अपने पानी से आधा फिल कर लिया है और चिप्स बनाने वाली जो मशीन आती है उसको आप सेट कर लीजिएगा। और एक एक आलू लेते हुए ये जो प्लेन चिप्स का डिज़ाइन है इससे हम इसको निकालते जाएंगे। ये जो छोटा है नीचे का उसको हम डालते जाएंगे पानी में ही, और आप देखेंगे इस तरीके से हमारे ये चिप्स नीचे निकल के आते रहेंगे। इसी तरीके से हम पहले सारे अपने आलू के चिप्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। चिप्स निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसे बड़े बड़े ही आलू लीजिएगा, जिससे आपके चिप्स का जो साइज आएगा वो अच्छा और बड़ा निकल के आएगा। इसी तरीके से हम अपने सारे आलू के चिप्स निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने सारे चिप्स अच्छे से कट करके स्लाइसेस में करके रख लिया है। ये प्लेन है, ये जो उसमें डिज़ाइन वाले होते हैं ये मैंने थोड़े से वो बना के रखे हैं। अब हमें इन्हें खूब अच्छे पानी में वॉश कर लेना है, जब तक कि आप देखिए हमारा पानी अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये मैंने 2 से 3 बार रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एकदम हमारे ये साफ पानी दिख रहा है। और ये हमारे, क्योंकि मैंने अभी इसे स्लाइसेस करके रखा हुआ है, इन्हें वॉश करना बाकी है, सो इसका पानी अभी हमारा गंदा है। सो इन्हें भी हम इसी की तरह पहले वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसे अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको आधे पानी से फिल कर लिया है। इसमें मैं सेंधा नमक डालूंगी, आप चाहें नॉर्मल नमक डालना सो आप इसको उससे भी बना सकते हैं। मैं इसे व्रत में यूज़ करूंगी इसलिए मैं इसे सेंधे नमक से बना रही हूँ चिप्सों को अपने। आप चाहें इसमें नॉर्मल नमक और कोई मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च ऐड करना सो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें लगभग 1 टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया है। इसे पहले हल्का बॉईल होने देते हैं, उसके बाद जो हमने अपने चिप्स वॉश करके रखे हुए हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। हमारे पानी में हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, इस पर हम अपने जो हमने वॉश करके अच्छे से चिप्स रखे हुए हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। सारे चिप्स हमने अब इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे एक बॉईल आने देते हैं। हमें सिर्फ इसे एक ही बॉईल दिलाना है। बॉईल आने के बाद हम अपने चिप्सों को इसमें से निकाल लेंगे और इसी तरीके से फिर हमने बाकी के बचे हुए चिप्सों को बॉईल करेंगे। देख सकते हैं हमारे पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। इसको बीच में एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा हिला लीजिएगा इस तरीके से। ये जो झाग है आप चाहें इसको क्लीन कर सकते हैं, इस तरीके से हटा दीजिएगा। ये देख सकते हैं हमारे पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसी स्टेज पे हम इसमें से अपने चिप्स को छन्नी में एक निकालते जाएंगे। ये जो हमारी छेदों वाली छन्नी होती है इसमें हम अपने चिप्स को रखते जाएंगे, जिससे जो भी हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो हमारा नीचे एक प्लेट में आता रहेगा और इसमें से एयर निकलती रहेगी। सो ये हमारे फैलाने के लिए धूप में थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। अगर हम इसमें एक से ज्यादा बॉइल दिला लेते हैं सो क्या होता है, जब हम चिप्स फैलाने लगते हैं सो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं आलू, क्योंकि एकदम पतला थिन स्लाइस होता है तो वो टूट जाते हैं, तो वो उतने अच्छे नहीं बन के हमारे तैयार हो पाते हैं। तो आप इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप चिप्स बनाएं इस तरीके से आप उसको हमेशा सिर्फ एक ही बॉइल दिलाइएगा। ये इस तरीके से हमने अपने सारे चिप्सों को निकाल लिया है, इसे हल्का ठंडा होने देते हैं और जब तक हम अपने इसी पानी में और हमारे जो दोबारा के वॉश किए हुए चिप्स हैं उनको हम इसमें बॉइल होने के लिए रख देंगे। आपका किसी समय पे आपको लगे कम हो रहा है, आपके चिप्स अच्छे से डिप नहीं हो पा रहे हैं सो आप पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ा और नॉर्मल पानी या बॉइल किया हुआ पानी डाल दीजिएगा।
इतना ही हमारे चिप्स इसमें आएंगे। अभी हमारे एक बार के और रह जाएंगे, उन्हें हम फिर दोबारा बॉईल कर लेंगे। इसमें हम हल्का सॉल्ट ऐड करेंगे और इनको भी एक बॉईल आने तक कुक कर लेंगे। सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है, इसे हम बॉईल होने देते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने सारे चिप्सों को एक चादर के ऊपर फैला दिया है और ऊपर से चुन्नी से कवर कर दिया है। अब इसे हम धूप में सुखाएंगे 2 से 3 दिन तक, जब तक कि हमारे अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं सूख के। हमारे चिप्सों को हमने 2 से 3 दिन की अच्छी धूप लगा ली है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं हमारी ये चिप्स अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। इसे हम अब फ्राई करके कभी भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसे बीच बीच में और भी 1-2 दिन के लिए बीच बीच में धूप लगाते रहेंगे, या कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके चिप्सों में फफूंदी आ रही है, कई बार ऐसा होता है अच्छे से धूप नहीं लगा पाते हैं तो उसमें बीच में फफूंदी आ जाती है या फिर वाइट वाइट हो जाते हैं, तो उसको भी आप बीच में धूप में रख सकते हैं तो आपके चिप्स वापस से अच्छे हो जाएंगे। तो आइए इनमें को फ्राई करके देखते हैं। थोड़ा सा ये घी हल्का सा गर्म होने के लिए रख दिया है, जब ये घी हमारा थोड़ा अच्छा गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें चिप्स डाल के फ्राई करेंगे। हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़े से अपने चिप्स आपको डाल के तल के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं हमारे एकदम परफेक्टली डिजाइन वाले और दोनों प्लेन तरीके के चिप्स अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसे तोड़ेंगे, तोड़ने में जो आज की आवाज़ सुन रहे हैं इससे पता चल रहा है चूरा करने में कि ये हमारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से परफेक्ट आप अपने चिप्स बना के ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे ये चिप्स एकदम सफ़ेद बने हैं, कोई लाल या काले किसी भी तरीके से नहीं हुए हैं। तो जो टिप्स मैंने बताई हैं इन चिप्स को बनाने के लिए, वो आप फॉलो कीजिएगा, आपके भी ऐसे ही परफेक्टली चिप्स बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कितने अच्छे क्रिस्पी क्रंची चिप्स हमारे बन के तैयार हुए हैं। आप भी यही टिप्स फॉलो करते हुए अपने चिप्स बना के इस बार तैयार कीजिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे द्वारा आने वाले और भी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।